नई सुबह होने को आई फिर स्कूल खुले हैं। हंसी खुशी के रंग बरसे हैं, अक्षर फूल खिले हैं। पढ़ाई में मन तो लग नहीं रहा था, स्कूल आने के बाद कम से कम एक इंटरेस्ट आता है, फ्रेंड से मिलने के बाद कॉम्पिटिशन होता है। दो साल के बाद हम लोगों का स्कूल खुला है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों बाद ऑनलाइन, इतने दिनों से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, फिर अभी हम लोगों का स्कूल खुला, हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स से मिला, टीचर्स से मिला, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, घर पर इतने दिनों से पढ़े पढ़े तो पहली बार सबके सब पढ़ाई में मन तो लग नहीं रहा था, स्कूल आने के बाद कम से कम एक इंटरेस्ट आता है, फ्रेंड से मिलने के बाद कॉम्पिटिशन होता है कि आपस में दोनों वो कैसा पढ़ रहा है, उससे ज़्यादा ही हम पढ़े। घर पर तो बिल्कुल भी इधर ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती है, बगल में इंस्टाग्राम पता नहीं क्या क्या मिनिमाइज करके खुला होता था। स्कूल में कम से कम जो भी प्रॉब्लम होती है चाहे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो, घर पे ये सब नहीं होता। नई ऊर्जा संकल्पों से फिर हमको पढ़ना है, फिफ्टी फिफ्टी की पाली से हटके नए सिरे हैं। खुशी के रंग बरसे हैं, अक्षर फूल खिले हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, अपने फ्रेंड्स से मिलने का मौका मिला, उनसे बातें किया, उनके साथ बैठा, पढ़ाई किया, और जो समझ में नहीं आया क्वेरी उसको पूछा टीचर से, उन्होंने बताया भी हम लोगों को। ऑनलाइन क्लासेस के बाद पहली बार फिर ऑफलाइन क्लास कराए, तो फिर अब स्कूल आए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल खुलने पर, और स्कूल में काफ़ी व्यवस्थाएं दी गई हैं। रानी रेती देवी में चलते हैं, टीचर से बात करते हैं कि क्या व्यवस्था है स्कूल में। यहाँ पर सरकार की सारी गाइडलाइनों का पालन कराया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर, और 50-50 का जैसा संदेश दिया गया है वैसे बच्चों को भी आधे आधे पाली में बुलाया गया है और दूर दूर बैठा गया है, और बच्चों से कहा भी गया है कि अपनी पानी की बॉटल और जो टिफ़िन है वो साथ में लाएँ और क्लास में ही बैठ करके करें, उचित दूरी बना करके ये सारे कोविड का गाइडलाइन का पालन करें। YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और iNext Live के कोई भी वीडियो मिस ना करें।